हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की इकोनॉमिक्स की 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और हमें केवल यहां ये बताना है कि वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन है ना, इसको यहां रखने पर इस पूरे इक्वेशन को ये जीरो बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर जीरो बना रहा है तो हम यहां लिखेंगे यस जीरो पॉलीनोमियल्स। अगर जीरो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे नॉट जीरो पॉलीनोमियल्स। कुल मिला के बाद ये एक्स की वैल्यू पे यहां फाइंड करनी है। अगर यहां रखने पर या फाइंड करने पर इसकी वैल्यू जीरो आती तो देखते हैं। सो पी एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 क्या आया, 0। तो यस यस 0 से सही, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल्स। ठीक है, यस 0 ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है तो मिला के बाद में बताऊं। ठीक है, सेकंड देखें आप, पी एक्स की वैल्यू 4/5। ठीक है, 5 एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल क्या आया, 4 माइनस 5 तो 0 आ रहा है क्या, नहीं तो क्या आएगा 9, 0 और पॉलीनोमियल। ठीक है, यस हम हमें आंसर देना है मिला के, यहां एक्स के लिए एक बार तो लेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, एक वस्तु में 0 तो माइनस 1 में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 एक वस्तु क्या होगा 0। तो यस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 आर 0 पॉलीनोमियल्स। ठीक है बेटा, याद रखो आप टेस्ट में एक्स के वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 2 कितना आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 क्या आया आपके पास, मल्टीप्लाई किया तो 0 पी 2। अब पी 2 निकालेंगे बेटा, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2 क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ गया, 0। अब ये 0 आ गया, दोनों ही 0 आ रहे हैं तो लिख देंगे एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 2 यस जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स। नेक्स्ट देखें, यहां पे एक्स इक्वल टू 0 0 स्क्वायर तो ये क्या बन गया हमारे पास, 0। तो यस, ठीक है, यहां देखिए आप पी माइनस एम अपॉन एल, एल एक्स की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल माइनस एम प्लस एम क्या आया, 0। तो ये भी क्या आया, यस। ठीक है, यहां देखिए आप, यहां पे पी एक्स की वैल्यू माइनस के 1/√3 3 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 3 और ये क्या आया 1/3 माइनस 1 3 से 3 कैंसिल क्या आया 1 माइनस 1 तो उसको क्या आ गया आपके पास 0। फिर देखिए पी 2/√3 रखने यहां पे वैल्यू तो 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू 4/3 माइनस 1 इससे कैंसिल क्या आया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 तो ये तो क्या है यस और ये क्या है नो।
है, इस पर तो क्या है जीरो से और इस पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पी वन अपॉन टू, टू वन अपॉन टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, वन प्लस वन कितना आया टू, तो ये भी क्या आएगा नो। ठीक है, जहां जैसा आ रहा है वो पॉलिनोमियल्स है और जहां नहीं आ रहा है वो नॉट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो है। अब इसका जीरो फाइंड करना है हमें, देखो फाइंड द जीरो, तो पॉलिनोमियल्स गिवन है आपके पास, पी एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो यहां पर कुछ करना नहीं है आपको, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो रखना है, एक्स इक्वल टू क्या क्या माइनस थ्री फाइव, बस इतना सा सॉल्व करना है। ऐसे ये एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा प्लस थ्री फाइव, ये 2x plus 5 equals to 0, तो 2x equals to minus 5 और x equals to minus 5 upon 2, तो 3x minus 2 equals to 0, तो 3x equals to 2, x equals to 2 upon 3, कोई प्रॉब्लम? ध्यान देखो 3x equals to 0, तो x equals to 0 upon 3, तो x equals to क्या गया आपके पास 0, a x equals to 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यानी कि x equals to 0 upon a, x equals to क्या आ गया 0, ये c x plus b equals to 0, तो c x equals to minus b, x equals to minus b upon c, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है 2.2। और हम नेक्स्ट डे जब भी हमारा रूटीन होगा उस दिन 2.3 के बारे में बात करें।